मुरैना में कांग्रेस विधायक की कार को टक्कर मारकर पुल से नीचे गिराने की कोशिश का मामला सामने आया। विधायक से टेरर टैक्स मांगे जाने और जान से मारने की धमकी देने का भी पता चला है। पुलिस ने विधायक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक विधायक राकेश मावई की कार को कट मार करके नेशनल हाईवे ओवरब्रिज से नीचे गिराने की कोशिश की गई। आरोपी ने रात 2:30 बजे फोन पर विधायक से टेरर टैक्स मांगा और न देने पर जान से मारने के लिए धमकाया। आरोपी टीकरी गांव के सरपंच का भाई बताया गया। विधायक ने बताया कि घटना 11:30 बजे के आसपास की। अपने चाचा की कार से बानमोर जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो आई, ओवरटेक किया, कार में कट मारा। चालक ने बड़ी मुश्किल से कार को नियंत्रित किया, वरना कार नीचे जा गिरती। इसने गाली गलौज जान से मारने की धमकी दी और कुल मिला के वो अपने इस पे आ गया। तब जाके मैंने फिर FIR कराई और उसके खिलाफ कार्रवाई की। उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ये सब वारदात उसने की, नहीं तो ये वारदात नहीं होती। रास्ते में एक ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इसमें जवान सिंह कंसाना है टिकरी गांव के, उनके साथ में इन्होंने गाड़ी का पीछा किया। इसके बाद गाड़ी रुकी, हालांकि इसमें इनके बीच में जो भी बाद में बात हुई तो राजीनामा टाइप की स्थिति बन गई थी और उन्होंने कोई FIR नहीं दर्ज कराई थी, वो अपने घर आ गए थे। इसके बाद ये लड़का कंटिन्यूसली उनको फोन करके गाली गलौज कर रहा था, इस पर से उन्होंने FIR कराई है। FIR कर ली गई है और इसमें जो आरोपी है, आरोपी अरेस्ट हुआ।